तो घंटी दबाते रहिए और बीइंग इंडियन से सूचना पाते रहिए। किल अवे। पिंकू, पिंकू। अरे यार, शर्मा जी का फोन आया था, कह रहे थे पड़ोस में तुम्हारी पिक्चर की आवाज ही नहीं जा रही है, थोड़ा और तेज कर लें। पापा आप तो मम्मी को लेने जा रहे थे ना नानी के घर से। नहीं, मम्मी का मूड चेंज हो गया, बोल रही कल आऊंगी। पापा आप जाओ ना, पूजा वूजा नहीं करनी आपको। ये तूफानी बवंडर में शोर में पूजा होगी, बंद करो इसे। पापा ये बंद। पापा प्लीज ये पिक्चर देखने दो शांति से, इसके बाद आप जो बोलोगे वो कर दूंगा। मम्मी को लेने कल तू जाएगा। पापा ऐसा मत करो, पता है आपको मामा जी पकड़ लेते हैं। अच्छा, मामा जी तुझे अकेले ही पकड़ते हैं? मुझे जकड़ लेते। ठीक है यार, चला जाऊंगा अभी, देख लूं। हाँ हाँ, तो एवेंजर्स कहाँ थे हम? अरे यार, ये देख कौन सी फिल्म रहा है तू? ये अंग्रेजी फिल्मों के राक्षस भी कमाल है, एकदम असली लगते हैं। पापा पिक्चर का नाम है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और ये असली से दिखने वाले राक्षस का नाम है थानोस। देख ले आप शांति से। थानोस, बड़ा अजीब नाम है ये। अच्छा, इसका रोल क्या है पिक्चर में? पापा छोड़ो ना, बहुत लंबी स्टोरी है। लंबी स्टोरी है हा? सुनो, जब तुम छोटे से थे ना, तो जितने भी अंग्रेजी फिल्में होती थी उसके डायलॉग ट्रांसलेशन करके हिंदी में बताता था तुझे। और अंग्रेजी फिल्में जाने दे, स्पेनिश फिल्मों के भी डायलॉग हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता था तुझे। स्पेनिश? स्पेनिश कब की? टर्मिनेटर वाला, हास्टा ला विस्टा बेबी। पापा एक्चुअली थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढ रहा है। कौन से स्टोन? हीरे जैसे दिखने वाले रंग बिरंगे जादुई पत्थर। अरे वरदान और अमृत ढूंढने के बजाय ये रंग बिरंगे पत्थर ढूंढ रहे हैं, बताओ। लेकिन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया में बहुत आबादी बढ़ गई है और इन पत्थरों के मदद से वो एक चुटकी में पॉपुलेशन आधी साफ कर देगा। पॉपुलेशन कम करने वाला इरादा ठीक है, लेकिन तरीका गलत है बेटा। भाई देखो, नवयुवकों को संदेश देना चाहिए कि नसबंदी करवाओ, कंडोम बांटो। पापा पिक्चर है, फैमिली प्लानिंग का एड नहीं है। थानोस थोड़ी ना बांटेगा जाके यूनिवर्स में सबको कंडोम। एक मिनट, ये लोग जो लड़ रहे हैं ना ये से, थानोस से, ये लोग कौन है? ये हैं पिक्चर के हीरो एवेंजर्स। अच्छा, ये थानोस को रोकना चाहते हैं और थानोस ने जिसको पकड़ा है ना वो बिजली का देवता थॉर है। पिक्चर में ठीक है बेटा, लेकिन बिजली का देवता इंद्र है। अरे यार, कुछ मुझ पे गिरा दो बिजली का। पापा प्लीज पिक्चर देखे बिना बात करे। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, देखो ये ग्रीन वाला जो है ये है थानोस की टक्कर का। लेकिन ये ग्रीन क्यों है भाई? कोई बीमारी है क्या इसे पिंकू? हल्क? हाँ, नाम है इसका हल्क। वैसे तो ये नॉर्मल इंसान है, लेकिन जब भी इसके आसपास कोई उल्टे सीधे सवाल पूछता है तो इसको गुस्सा होता है, और जब इसे गुस्सा आता है तो ये ऐसा बन जाता है। गुस्सेल और शक्तिशाली, अरे भीम जैसा हुआ ये। पापा प्लीज पिक्चर देखे। हाँ देखो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अच्छा पिंकू, किचन से कुछ नमकीन ले आ, अगर तुझे चाहिए तो। नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। खा ले, पिक्चर देखते हुए चबाते रहने का मजा ही अलग है। तेरे लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे तो कोई खाने पीने का शौक है नहीं। ये ब्लैक विडो इतनी सी उम्र में विधवा कैसे हो सकती है? पति कौन था इसका? पापा ब्लैक विडो का कोई पति नहीं था। ऐसी कैसे विडो ये? अरे औरत विडो तभी होती है जब उसका पति एक्सपायर करता है। पापा जैसे महाभारत में बिना शादी किए कुंती माँ बन गई, वैसे ही ये विधवा बन गई। ये स्मार्ट से बंदा कौन है? कैप्टन अमेरिका, सबसे सीधा, सबसे सच्चा इंसान और एवेंजर्स का लीडर। मतलब
युधिष्ठिर है कि नहीं? भाई देखो, पहले इंद्र, भीम, युधिष्ठिर, पूरी की पूरी कॉपी है महाभारत। मैं कह रहा हूँ, मतलब एक दो तुक्के क्या फिट हो गए, मतलब पूरी की पूरी कॉपी है? एक दो तुक्के फिट नहीं हुए, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। इस एवेंजर फिल्म में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर अर्जुन जैसा होगा ही होगा, जो धनुष बाण चलाता होगा, है कि नहीं, बोलो। हाँ, एक है, हॉका है। हॉका देखा बेटा? लेकिन ऐसा, लेकिन कुछ नहीं। इसीलिए कहता हूँ मैं कि भारत छोड़ के अंग्रेज चले गए, लेकिन लूटना नहीं छोड़ा। पहले धन लूटते रहे, अब मन लूटते हैं। पापा, हाँ, फोन बज रहा है। कहाँ? आपका। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का है? हाँ बोलो। अरे पिंकू पीछे पड़ा था तो उसके साथ पिक्चर देख रहे हैं, अंग्रेजी महाभारत। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एवेंजर इन्फिनिटी मॉल वॉर तुम देख चुके क्या? इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो बेटा। ये पिक्चर तुम देख चुके हो? हाँ। दोबारा देख रहे हो? हाँ, नेक्स्ट पार्ट रिलीज होने वाला है ना, तो इसीलिए रिवीजन कर रहा हूँ ताकि याद रहे। रिवीजन? वाह क्या बात है। पिछले महीने एग्जाम्स थे, जब 10 दिन का गैप आया तो एक बार भी नहीं कहा कि पापा मैथ्स का एग्जाम है, रिवीजन करना चाहता हूँ। कहा क्या? हाँ पापा। हैं? मम्मी होल्ड पे। हाँ, पिंकू आएगा लेने तुम्हें। मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, वही कह रहा है कि मैं अपनी मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। दुनिया न जाने अपनी माँ के लिए क्या क्या करती है। हाँ प्यारा है, दुलारा है। ठीक है चलो रखते। अरे तो खत्म हो गया। लो ले आओ कुछ अपने लिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध, ऐसे ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वहीं थे ना जब हुआ था। अरे एवेंजर्स की थानोस से और पांडवों की कौरवों से, धर्म की अधर्म से लड़ाई सदियों से चली आ रही है ये कहानी। कुल्हाड़ी सीधे छाती में गया, गया थानोस गया। बस अब इसी के साथ होती है। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको रुको रुको। अब बेटा इसी के साथ होती है सदियों पुरानी चली आ रही कहानी की सदाबहार एंडिंग। देखो चाहे एवेंजर हो और चाहे महाभारत हो, जीत हमेशा धर्म की होती है। अरे यार पापा फिल्म तो खत्म होने दो। धर्म की जीत बेटा, धर्म की। थानोस भी ना अजीब ही है पगलेट, ये मर रहा है लेकिन मरते मरते पता नहीं क्यों चुटकी बजाया जा रहा है, क्या पागल है क्या? अरे ये तेरे हीरो लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? क्या हो क्या रहा है ये? अधर्म की जीत पापा, अधर्म की जीत। क्या बोला था आपको? एक बार थानोस को सारे पत्थर मिल गए, एक चुटकी में आधी जनता ब्रह्मांड से साफ। अच्छा कैसे? और एवेंजर्स? कुछ बचे हैं और बाकी सब आधी जनता के साथ। अरे वो क्या नाम है उसका, वो जो वो लोहे का कवच दुर्योधन की तरह पहने घूमा करता था, आयरन मैन। आयरन मैन, हाँ वो बचा है, लेकिन कब तक ये नहीं पता। कब पता चलेगा? सब पता चलेगा बापा, जब उसका नेक्स्ट पार्ट एंड गेम रिलीज होगा तब। जो अगली आ रही है इसका टिकट करा लिया तुमने? हाँ कब का? तुम्हारे अगर दोस्त लोग ना जा रहे हो तो मैं चल सकता हूँ। देखो वैसे मजा तो नहीं आता है मुझे, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा तो मुझे बुरा लगेगा। मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए, बीआर चोपड़ा की महाभारत डाउनलोड कर लेता हूँ, वैसे भी सेम एकदम कॉपी। ठीक है। अच्छा पिंकू पिंकू सुनो, एवेंजर का इससे पहले वाला पार्ट लगा के जाओ भाई, मतलब मैं भी तो देखूं क्या क्या कॉपी की हमसे इन्होंने। अच्छा केले की चिप्स लेते हैं ना अपने लिए। पिंकू अरे मैंने सुना है मार्वल की जितनी फिल्में होती है सब में एंड में, मतलब कहानी खत्म होने के बाद भी इंटरेस्टिंग सीन बचा रह जाता है, क्या मतलब ये सच है? जस्ट लाइक बीइंग इंडियन वीडियोस,
इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बीइंग इंडियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर एवेंजर्स एंडगेम अकेले देखने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए इन्हें कंपनी की ज़रूरत है।